अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मामी सेवई की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो जाता है। आप जब भी चाहें इसे बनाकर खा सकते हैं। जितना ये देखने में सुंदर है, खाने में उतना ही टेस्टी है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैं ले ली हूँ 1/2 कप मखाना। मखाने को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसे भूनने के लिए मैं तेल या घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये हमारे मखाने भुन चुके हैं, इन्हें मैं निकालूंगी। मखानों को निकालकर हम इसे दरदरा सा कूट लेंगे या फिर मिक्सर के जार में डालकर 1 सेकंड के लिए चला दें। हमने मिक्सर के जार में डालकर चलाया था, इस तरह से मोटा मोटा हो गया है, बस हमें ऐसे ही चाहिए। अब मैं उसी कढ़ाई में डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच घी। यह मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप डालडा घी भी ले सकते हैं, तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी 300 ग्राम सेवैयाँ। आप देख सकते हैं ये सेवैयाँ पहले से भुनी हुई हैं, तो हम थोड़ा सा इसे भुनेंगे। अगर आपकी सेवई कच्ची है तो आप उसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारी सेवई बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी है, यहाँ मैं निकाल कर इसे साइड में रख दूँगी। उसी कढ़ाई में मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच घी और उसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी। यहाँ 1/2 कप ड्राई फ्रूट्स ली हूँ मैं। इसमें बादाम, काजू, पिस्ता, छुआरे, किशमिश, चिरौंजी सभी हैं। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। हमें इन्हें हल्का सा भून लेना है। देखिए हमने भून लिया है अच्छे से। ड्राई फ्रूट्स को निकाल कर मैं साइड में रख दूँगी। और अब मैं ले ली हूँ 1 बड़े बर्तन में 1 लीटर दूध। मैं इस सेवई को दूध में बना रही हूँ, आप चाहें तो पानी में भी बना सकते हैं। अगर इस सेवई को पानी में बना रहे हैं तो आपको अलग से मावा डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसे दूध में बना रहे हैं तो मावा डालना आपकी मर्जी है, चाहें तो डालें, ये वैसे ही बहुत टेस्टी बन जाता है। दूध को हमने 2 से 3 मिनट तक उबाल लिया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। 300 ग्राम हमने सेवई लिया है तो 600 ग्राम हम इसमें चीनी डालेंगे और 1 लीटर हमने दूध लिया है। तो जब भी आप इस सेवई को बनाएं मेजरमेंट का खास ध्यान रखिएगा। अब मैं डाल दूँगी इसमें 1 पिंच रेड फूड कलर। रेड फूड कलर मैं थोड़ा सा ही डाली हूँ, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। सभी को मिक्स कर दूँगी और अच्छे से उबाल लूँगी। उबाल आने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मखाने, साथ में ड्राई फ्रूट भी डाल दूँगी जो हमने भून के रखा है। थोड़ा सा बचा लूँगी ऊपर से गार्निश करने के लिए। इन्हें हमें अच्छे से पका लेना है, तो लगभग हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। साथ में 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल दूँगी, आप चाहें तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक हमारा सिरा हल्का हल्का चिपचिपा ना हो जाए। मैं चेक कर लेती हूँ, अभी हम इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे। एक मिनट तक हमने पका लिया है, हमारा सिरा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। मैं इसमें सेवई डाल दूँगी, सेवई डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को मैं मीडियम टू हाई कर दी हूँ। टेस्ट और लुक दोनों बढ़ाने के लिए मैं डाल ली इसमें 4 बड़े चम्मच मावा, तो थोड़ा सा मावा मैं बचा लूँगी। आधा मैं डाली हूँ अभी, आधा थोड़ा बाद में डालूँगी। मैं इसे मिक्स कर दूँगी, 3 से 4 मिनट तक सेवई को और पका लूँगी मैं। इससे हमारा सेवई गाढ़ा भी हो जाएगा और सेवैयाँ अच्छे से पक जाएंगी। एक बार चला दूँगी इसे ताकि तले में लगे ना। और यहाँ देखिए हमारा सेवई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है हमारा सेवई। अब मैं डाल दूँगी इसमें बाकी का जो मावा बचा के रखी थी। वो मावा को मैं कद्दूकस कर ली थी, ये हमारा होममेड मावा है। घर पर मावा कैसे बनाते हैं उसका वीडियो हमने डाला हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसे मैं मिक्स कर दूँगी और फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा किमामी सेवई बनकर तैयार हुआ है। इसे मैं 5 मिनट तक इसी तरह ढककर रख दूँगी। 5 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे निकालूंगी एक बाउल में। ये देखिए हमारा किमामी सेवई बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, ये खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। आप इसे ईद में बनाएं या फिर अपने मेहमानों के लिए कभी भी बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगा। अब देख सकते हैं हमारा सेवई कितना दानेदार दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया बना है। अभी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर।